वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी से लेकर अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से कांग्रेस में भी रहा हूं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस में कोई सुनने वाला व्यक्ति नहीं बचा। विधानसभा में 8 से 9 हजार युवा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके। 8 युवा बहुत होते हैं, 10 हजार में गुणा करो 10 का। ना हमें विधायक को चुनना है, ना अपन को सरकार बनानी है। हमारे लिए मंत्री जी बने बनाए मिल गए हैं, हमारे लिए मंत्री जी बने बनाए मिल गए हैं। आवाज इतनी बुलंद कर लो कि ये मुट्ठी और ये युवा शक्ति इतना बता दे कि मंत्री जी अकेले नहीं, हम सब उनके साथ है। एक बार फिर युवा का ये सम्मेलन बलेरा में शामिल हुआ है, जिसमें हमारे बीच में मंत्री जी मौजूद है। मंत्री जी से बात करते हैं। मंत्री जी, क्या चल रहा है सुर्खी में इस समय पर? ये सुर्खी में इस समय युवाओं में बड़ा जोश देखा जा रहा है। वेलकम टू बीजेपी, जो वेलकम टू बीजेपी कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अभी तक करीब 10 हजार युवा जुड़ चुका है। और मैंने पहली बार युवाओं में इतना जोश देखा भाजपा में जुड़ने के प्रति। आज मुझे लगा कि जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे पहला वाला, उस चुनाव में देश के युवाओं ने क्यों इतना समर्थन दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी की ताकत, शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के लोगों से प्रेम और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भाजपा में आगमन से युवा उमड़ पड़ा है। और सारा युवा वर्ग का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और इस युवा की मेहनत रंग लाएगी। जैसे अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, लगातार कांग्रेस टूट रही है, क्या मध्यवर्ती चुनाव के आसार है समय पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर बहुत सारे विधायक आ रहे हैं। अब इतने विधायकों का कांग्रेस छोड़कर पहली बार हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को अपनी घर संभालना चाहिए, ना कि भाजपा पर आरोप लगाना चाहिए। जहाँ तक सवाल उठता है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ लगातार कांग्रेस के विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और मध्यवर्ती चुनाव के अगर आसार बनते हैं तो यह बड़ी बात हो सकती है। राकेश तिवारी की रिपोर्ट, कलुकान के साथ।